मध्य प्रदेश में मॉनसून ने कुल 49 जिले कर लिए हैं। मध्य प्रदेश की 49 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इन 49 जिलों के लोगों को भी अब बारिश से राहत मिलेगी। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 3 दिन तक हवा आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, भिंड और मुरैना में भी मॉनसून जल्दी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इसी वजह से प्रदेश हवा आंधी के साथ बारिश का दौर जारी है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिन तक मध्य प्रदेश में हवा आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है कि अब तक मध्य प्रदेश के 49 जिलों में मॉनसून एंट्री ले चुका है, जिसमें सिवनी, पांडूर्णा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल शामिल है। वहीं छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर, दामोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, शाजापुर, रामगढ़, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा और मऊगंज में भी मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून के दस्तक के बाद भी प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। इसके साथ ही अभी बता दें कि आज भी प्रदेश के 5 शहरों का तापमान 40 डिग्री पर दर्ज किया गया है, जिसमें पृथ्वीपुर निवाड़ी सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 43.6 डिग्री रहा। वहीं विजयवर में 40.8, सिंगरौली में 40.4, सीधी 40.2 और नौगांव में 40.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान पंचमढ़ी में रहा। पंचमढ़ी में अधिकतम पारा 29.0 और न्यूनतम 21.2 डिग्री दर्ज किया गया।